वेलकम अगेन टू सुनीताज किचन खाना बदोश। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, तो मैं सारी मिठाइयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रही हूँ। आप रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करें और आपके फीडबैक ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। फेस्टिव सीज़न में एक और मिठाई की रेसिपी लाई हूँ मैं फ्रेंड्स, काला जामुन। ये गुलाब जामुन से मिलता जुलता है, पर इसे थोड़ा सा फ्राई ज़्यादा किया जाता है और टेक्सचर में ये थोड़ा सा हार्ड होता है। फ्रेंड्स, काला जामुन बनाने के लिए सामान मैंने क्या लिया है फ्रेंड्स देख लेते हैं। मावा लिया है मैंने, पनीर लिया है, बादाम, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर लिया है, मैदा लिया है और शुगर लिया है। सबसे पहले पनीर को अच्छे से मैश कर लेते हैं फ्रेंड्स। पनीर मैंने फ्रेश लिया है एकदम, तो ये जल्दी मैश हो गया है। मावा को भी अलग से थोड़ा सा पहले मैश कर लेते हैं। पनीर और मावा को मिला देंगे और दोनों को मिला के अच्छी तरह मलेंगे। इसे बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में लाना है, कम से कम 8 से 10 मिनट इसे इसी तरह से मसलना होगा ताकि जब हम इसके बॉल्स बनाएं तो इसमें क्रैक्स नहीं आए। अब मैं मैदा ऐड करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। 50 ग्राम के करीब मैंने मैदा ऐड किया है इसमें। अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट और इसे थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जैक्ट नाम मौजूद है फ्रेंड्स, आप उसी को फॉलो करके बना सकते हैं। ये अब स्मूद हो गया है फ्रेंड्स, अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स जब आप बनाएं तो ख़ास इस बात का ध्यान रखें कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये फ्राई करते समय बिखर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूद बने हैं। आइए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्टफिंग के लिए मैंने बादाम को बारीक कर लिया है, इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, शुगर ऐड कर दी है 2 टीस्पून। पिंच हम ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, चाहें तो आप येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। और स्टफिंग में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। स्टफिंग हमारा रेडी है फ्रेंड्स। स्टफिंग के भी छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं, फिल करने में ईजी हो जाएगा थोड़ा। शुगर सिरप बना लेते हैं फ्रेंड्स। 300 ग्राम के करीब मैंने शुगर लिया है, 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। सबसे पहले शुगर मेल्ट होने देते हैं। इसमें हमें किसी तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस शहद जैसी हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है हमको फ्रेंड्स। शुगर मेल्ट हो गया है, गैस मैंने सिम कर दिया है। 4-5 मिनट और इसे मैंने बॉयल कर दिया है। आप देख सकते हैं चाशनी हमारी रेडी है, हल्की स्टिकी हो रही है। इलायची पाउडर ऐड कर दिया है फ्रेंड्स मैंने और 1 नींबू का टुकड़ा ऐड कर दिया है। ये शुगर सिरप को क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा। आइए बॉल्स में स्टफिंग फिल कर देते हैं फ्रेंड्स। इसे बॉल में थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करेंगे, थोड़ी सी जगह बनाएंगे और हमारी स्टफिंग फिल कर देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे फ्रेंड्स। और फिर से इसे गोल शेप दे देंगे, इसी तरह से सारी स्टफिंग भर देंगे। सारे काला जामुन हमारे रेडी हैं। आई एम सॉरी, अभी तक तो ये गोरे हैं फ्रेंड्स, इसे फ्राई करके काला करना है तो इसके लिए मैंने ऑयल रख दिया है। हॉट ऑयल में इसे ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे बाहर से और अंदर से कच्चे लगेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में मैंने 4 जामुन ऐड कर दिए हैं और इसे थोड़ा सा कढ़ाई को हिलाते हुए या फिर स्पून से इस तरह से ऑयल को थोड़ा हिलाते हुए फ्राई करेंगे। अब ये गुलाब जामुन जितने फ्राई हो गए हैं फ्रेंड्स, थोड़े से और फ्राई करना है। इसी तरह से थोड़ा सा ऑयल को उछाल कर और धीरे धीरे टर्न करके फ्राई करेंगे। काला जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं फ्रेंड्स। चाशनी मीडियम हॉट है, ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडी चाशनी में इसे ऐड नहीं करना है। हल्की गर्म चाशनी में इसे मैंने ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से और जाम भी फ्राई कर लेते हैं, सेम प्रोसेस से इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं फ्रेंड्स, इसे भी शुगर सिरप में डाल देते हैं।
चार से छः घंटे मिनिमम इसे शुगर सिरप में डालेंगे, या फिर ओवरनाइट के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स। इसे मैं रख देती हूँ, 3-4 घंटे बाद इसे सर्व कर देते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें जैसे इसे गार्निश करें या फिर सिंपल भी, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और उसके बाद आपके फीडबैक देना ना भूलें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।